आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, केवल दिल्ली वालों के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। 11,000 क्लासरूम एक साथ दिल्ली में बनने जा रहे हैं। जैसा कि अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन साहब ने बताया, पूरे देश में केंद्र सरकार को मिला के, सारी राज्य सरकारों को मिला के, सारे स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सारे देश के सारे राज्यों की सारी सरकारों को मिला के इस साल इतने क्लासरूम नहीं बनने जा रहे जितने अकेले दिल्ली के अंदर बनने जा रहे हैं। 11,000 क्लासरूम आज से बनने शुरू हो जाएंगे, लगभग 2,000 क्लासरूम अगले कुछ दिनों के अंदर बनने शुरू हो जाएंगे, तो लगभग 13,000 क्लासरूम इस साल बनने जा रहे हैं। 8,000 क्लासरूम बना चुके हैं, तो हमारे टाइम में 4 साल में 21,000 क्लासरूम बन के तैयार हो जाएंगे। 21,000 क्लासरूम, और आज पूरी दिल्ली में लगभग 1100 सरकारी स्कूल हैं। उन 1100 सरकारी स्कूलों में 24,000 क्लासरूम हैं। 1100 सरकारी स्कूलों में 24,000 क्लासरूम, अब 21,000 क्लासरूम बनने जा रहे हैं, तो आप ये मानो लगभग 1,000 नए स्कूल बनने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। 1,000 नए स्कूल बनने जा रहे हैं दिल्ली में। 70 साल में, भारत की आजादी के बाद 1947 के बाद 70 साल में दिल्ली में 1100 स्कूल बने, 24,000 क्लासरूम बने, और आप लोगों की अपनी आम आदमी पार्टी की 4 साल की सरकार में 21,000 क्लासरूम और 1,000 स्कूल बन के तैयार हो गए। ये सरकार टॉप स्पीड पे काम करती है, रॉकेट की स्पीड पे काम करती है। हमने जब चुनाव लड़ा था, अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, हमने 500 नहीं 1,000 नए स्कूल बना के तैयार कर दिए दोस्तों। 1,000 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है, अगर तो ये स्कूल खराब होते तो यहां केवल गरीबों के बच्चे आते। आज मुझे बेहद खुशी है, सबसे बड़ा इसका सर्टिफिकेट कि ये स्कूल अच्छे हैं। हमारे 2 विधायकों के बच्चे, अमानतुल्ला खान साहब के बच्चे जिनसे अभी आप सब लोग मिले, और गुलाब सिंह हमारे मटियाला के MLA उनके बच्चे, दोनों ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिए, क्योंकि उनको लगता है सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है। पिछले 4 साल के अंदर ना केवल कमरे बनाए गए, कमरे बनाना तो बहुत आसान काम था, लेकिन जिस तरह से टीचर्स के अंदर उत्साह पैदा हुआ है, टीचर्स को IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, पूरे देश के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, प्रिंसिपल्स को हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, सिंगापुर में, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, और जब वो लोग वापस आए वो पूरे उत्साह से भरे हुए थे। उनको लगा कि इस बार एक सरकार आई है जो वाकई शिक्षा को बदलना चाहती है। इन सभी टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने मिलकर ये पूरी क्रांति की है। इसका काफी श्रेय मुझे और शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी को मिलता है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं इस पूरे श्रेय के असली हकदार
हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने जिन्होंने ये क्रांति करके दिखाई। हमने टीचर्स नहीं बदले, हमने प्रिंसिपल्स नहीं बदले, वही टीचर्स हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन पहले सारा माहौल खराब था, पहले सारा माहौल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। आज उन्हीं टीचर्स और उन्हीं प्रिंसिपल्स ने करिश्मा करके दिखा दिया। दोस्तों, पिछले दो साल से दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से कम 10% ज्यादा नतीजे आ रहे हैं। हमारे बच्चे, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, अब प्राइवेट स्कूल से ज्यादा शानदार नतीजे लेके आ रहे हैं। दोस्तों, इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। अब ढेरों ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। अभी रोहिणी में हमारा एक नया स्कूल बना है, उसमें 900 नए बच्चे भर्ती हुए हैं। 900 में से 750 बच्चे आसपास के प्राइवेट स्कूलों से निकल निकल के सरकारी स्कूल के अंदर आए हैं। भारत के इतिहास में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराते थे। सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल हुआ करता था कि एक रिक्शे वाला भी अगर 2 पैसे जमा कर लेता था तो एक टाइम रोटी कम खाता था, लेकिन चाहता था मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराया करता था। आज ये पूरी हवा उल्टी बहने लगी है जब सरकारी स्कूलों के इतने शानदार नतीजे आ रहे हैं। जैसा भी मनीष सिसोदिया जी ने बताया, पिछली बार हमारे 350 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में भर्ती हुए थे। IIT देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। मैं भी IIT से पढ़ा हुआ हूं। IIT देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। IIT में भर्ती होने के लिए, IIT में एडमिशन लेने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई सोच भी नहीं सकता था सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT में जाएंगे। पिछले साल हमारे 350 बच्चे सरकारी स्कूलों के IIT में भर्ती हुए। सारे पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स आए हैं, जितने पेरेंट्स के बच्चे अब सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे, पढ़ रहे हैं, सबका सीना चौड़ा हो रहा है। दोस्तों, सबका सीना 59 इंच का हो गया, 56 इंच को भी छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। लेकिन हमारा मकसद केवल बच्चों को अपनी किताबें रटाना नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चे बड़े होके अच्छे नागरिक बने। आज सारे स्कूलों के अंदर शिक्षा मंत्री जी और उनकी टीम ने मिलके हैप्पीनेस की क्लासेस शुरू की हैं। हैप्पीनेस की क्लासेस में उन लोगों को अच्छा नागरिक बनना सिखाया जा रहा है, उन लोगों को अच्छा इंसान बनना सिखाया जा रहा है। आज यहां सारे बच्चे बैठे हैं, हैप्पीनेस क्लास लगती है आपके यहां पे? कैसी लगती है? बहुत अच्छी। पूरे दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में रोज सुबह 1 घंटा हैप्पीनेस की क्लास लगती है। उसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी सिखाई जाती है, उसमें बच्चों को अपनी परिवार की इज्जत करनी सिखाई जाती है, उसमें बच्चों को अच्छा देशभक्त बनने की शिक्षा दी जाती है। आज हम कई लोगों को देखते हैं, सुनते हुए, बोलते हुए सुनते हैं, कई लोग कहते हैं अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ही लोग ऐसे कहेंगे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, तो कोई पाकिस्तान और अमेरिका से आके अपने देश को ठीक थोड़ी करेगा। हमारे देश में 100 कमियां हो सकती हैं, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा देश भारत देश है हमारा। आज बच्चों को देशभक्त बनने की शिक्षा दी जाती है, उनको यह सिखाया जाता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि अगर हमारे देश में कोई कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें उसको दूर करना है। लेकिन अपने देश पे गर्व करना है हम लोगों को, अपने देश को आगे लेके जाना है। और अगर कोई भी कहीं भी मुसीबत में मिले उसकी मदद करनी है अपने को। कोई नागरिक, कोई कहीं सड़क पे इधर उधर कोई मुसीबत में हो उसकी मदद करनी है, ये हैप्पीनेस की क्लासेस में सिखाया जाता है। आज हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ऐसी है,
हमारे बच्चे बड़े होते हैं, 12वीं पास कर जाते हैं, बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं और फिर नौकरी ढूंढते रहते हैं। उनको नौकरियां नहीं मिलती, चारों तरफ बेरोजगारी है। ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जो केवल बेरोजगार पैदा करती है। आज हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को ऐसी तामील दी जाए, ऐसा हुनर सिखाया जाए कि जब शिक्षा उनकी पूरी हो जाए, 12वीं करके निकले, बीकॉम बीए करके निकले, तो बच्चा अपनी नौकरी करने की बजाय अपना काम धंधा शुरू कर सके, अपनी छोटी सी दुकान खोल सके, बड़ा व्यापार कर सके, उद्योग लगा सके। हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे आने वाले दिनों में जो नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे इस देश के अंदर। दोस्तों, इसकी पूरी तामील शुरू कर रहे हैं। अभी मनीष सिसोदिया जी और उनकी टीचर्स की टीम ने एक एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम शुरू किया है। उसमें नौवीं क्लास से 12वीं क्लास तक उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से व्यापार किया जाता है, किस तरह से इंडस्ट्री लगाई जाती है, किस तरह से अलग अलग हुनर दिए जाएंगे। केवल स्किल के नाम पे कई बार उनको मशीन सिखा देते हैं कुछ। हम केवल स्किल नहीं सिखाना चाहते, हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होके बड़ा बड़ा व्यापार करें, हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होके बड़ी इंडस्ट्री लगाएं। अगर जरूरत पड़ेगी मैं और मनीष सिसोदिया जी मिलके इनके फाइनेंस का भी इंतजाम करेंगे, इनको आसान किस्तों पे लोन दिलवाएंगे, इनको आसानी से लोन दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हम भी आपके बच्चों से कम प्यार नहीं करते। आपका एक एक बच्चा हमारे अपने बच्चे के समान है। आपने मुझे और मनीष सिसोदिया जी को जिम्मेदारी दी अपने बच्चों की। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये याद रखना कि आपके बच्चे बिल्कुल सही हाथों में हैं। उनको अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बना के स्कूल से पास करा के भेजेंगे, और जब वो स्कूल से पास होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, अभी थोड़ा समय लगेगा, 70 साल के बाद 3-4 साल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मेरा और मनीष जी का सपना है कि जब हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले, उनको एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना पड़े। हम तो चाहते थे दूसरे साल के अंदर ही, मैंने और मनीष जी ने प्लान कर लिया था, हम दूसरे साल में ही 20,000 क्लासरूम और बनाना चाहते थे, हमको बनाने नहीं दिया। सारी फाइलें मंगा लेते हैं ऊपर केंद्र सरकार में, हर फाइल टांग अड़ाते हैं। 4 साल लड़ लड़के इनसे ये 11,000 क्लासरूम पास कराया। दोस्तों, आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों ने पिछली बार 70 में से 67 सीट दी थी, हमारे हाथ मजबूत करे, आज हम इसी वजह से कुछ काम कर पा रहे हैं। लेकिन आपने 7 एमपी बीजेपी के दे दिए, जिसकी वजह से रोज हमारे काम में अड़ंगा। इस बार जब वोट देने जाओ, हमारे हाथ और मजबूत करना। अगर ये 7 एमपी हमारे आ गए, ये 11,000 क्लासरूम एक साल में क्या हम 4 महीने के अंदर बना के दिखा देंगे। दोस्तों, तेजी के साथ दिल्ली का विकास होगा। आज हर कदम के ऊपर विकास में रोड़ा अटकाया जा रहा, हमें टांग अड़ाई जा रही है। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, ये फाइल रोक देते हैं। हम अपने स्कूल बनाना चाहते हैं, फाइल रोक देते हैं। हम अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, फाइल रोक देते हैं। अगर आप हमारे हाथ मजबूत करोगे और हमारे हाथ मजबूत करोगे तो आपके बच्चों के लिए दिल्ली का और विकास करेंगे। दोस्तों, जैसा भी मनीष जी ने कहा, मैं सारे पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, जैसा भी मनीष जी ने कहा, एक आध लोग किसी से पूछो जी किसको वोट दोगे? मोदी जी को देंगे। क्यों दोगे? मोदी जी से प्यार करते हैं। अब यह तय कर लेना, अपने बच्चों से प्यार करते हो कि मोदी जी से प्यार करते हो? अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो उनको वोट देना जो आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और अगर बच्चों से प्यार नहीं करते तो मोदी जी को वोट दे आना। मोदी जी ने आपका एक भी क्लासरूम नहीं बना के दिया, मोदी जी ने आपका एक भी स्कूल नहीं बना के दिया। या तो देशभक्ति कर लो या मोदी भक्ति कर लो, दोनों में से एक ही होगी जी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते।